नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी की ओर से विदेशी मंच से भारतीय संसद पर की गई टिप्पणी का मुद्दा आज भी संसद के दोनों सदनों में उठा, जिसके चलते भारी हंगामे की स्थिति रही। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही को चलाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामे और शोर शराबे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में ओम बिरला ने आसन के समक्ष आकर हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने की अपील की, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए, यहाँ पर हम नीतियों की बात करें, पॉलिसी की बात करें, अच्छी चर्चा हो, जन कल्याण की चर्चा हो, ये सदन इसके लिए बना है। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर हम जनता का कल्याण करना चाहते हैं और ये सदन को हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कम से कम सदन पर टिप्पणी नहीं करें। ये आपका लोकतंत्र का मंदिर है, हम सबके आस्था का केंद्र है। आप प्रयास करना चाहिए कि सदन के अंदर और सदन के बाहर कभी भी संसद के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्यों फिर आग्रह कर रहा हूं, ये सदन चर्चा, नीतियां, पॉलिसी के लिए है। अच्छा हो आप नीतियों पर बात करो, पॉलिसी पर बात करो, मुद्दों पर बात करो, ये इस तरीके से तख्तियां लाना उचित नहीं है। मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, ये सदन तख्तियां लाने के लिए नहीं है, ये सदन चर्चा मुद्दे के लिए है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। ये गलत तरीका है। सदन में मैं आपको आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि कभी भी तख्तियां, नारेबाजी सदन में अलाउ नहीं है। पीयूष जी, सभापति जी, ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक सदन का मेंबर जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो मेरा मानना है कि जो तख्ती है इनको सस्पेंड किया जाए। माननीय सदस्यगण, इस सदन की मैंने पहले भी आग्रह किया था, आपको सभी को सस्पेंड किया जाए। ये सदन है, आप ये तख्तियां नारेबाजी करने का अधिकार आपको लोकतंत्र में बाहर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप क्या संदेश देना चाहते देश को? क्या ये उचित है आपके लिए? क्या मेंबर का ये कंडक्ट उचित है क्या? प्लीज माननीय सदस्य अपनी अपनी सीट पर जाके बैठे। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस बीच विपक्षी सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में बैठक कर अपनी रणनीति बनाई। विपक्ष के सांसद आज ईडी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं और अडानी मामले से जुड़ी शिकायत एजेंसी को सौंप रहे हैं। इसको लेकर पूरे मार्ग में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। हालांकि विपक्ष की एकता में आज भी दरार दिखाई दी, क्योंकि खड़गे के कक्ष में विपक्षी सांसदों की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद नहीं पहुंचे। तृणमूल सांसदों ने अलग से संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए LPG सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि का विरोध किया। दूसरी ओर BJP राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सुबह सुबह ही राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि आपने विदेश में कहा कि देश में उन्हें किसी विश्वविद्यालय में बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा है
तो 2016 में दिल्ली में जब एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लग रहा था, तब आपने वहां जाकर इसका समर्थन किया था, वो क्या था? राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में एक महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है, उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है, तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी? लंदन में के हिंदुस्तान में आपने इस बात को भी एक विदेशी संस्थान में चर्चा के संदर्भ में रखा कि आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का देश की संसद में हनन होते दिख रहा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़ कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? जब राज्यसभा में राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के चेयर की ओर जहां पर उनके प्रतिनिधि विराजमान हैं, कांग्रेस के नेता कागज फेंकते हैं, अपमान करते हैं, टेबल के ऊपर चढ़कर किताबें पटकते हैं, क्या वो डेमोक्रेसी है राहुल गांधी? मैं आज भारत के हर नागरिक की ओर से राहुल गांधी से कहना चाहती हूं कि संसद हमारे देश की मात्र सांसदों का जमघट नहीं है, हमारे देश की संवैधानिक परंपरा, राष्ट्र की लोकतांत्रिक ताकत और हर भारतीय का अधिकार क्षेत्र है। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले ये आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें यह आह्वान किया है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राजनीति में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोदने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे
क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।